हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। एंड बाय द वे, अभी अभी मैं घर पर पहुंचा था एंड मेरी यूनिफॉर्म बुरी तरह से ख़राब हो रखी है। ऊपर से वाइट यूनिफॉर्म थी आज, बिल्कुल मिट्टी से, देखियो कैसी होगी। ये तो इतनी ज़्यादा पीछे से भी हो रखी है, इसीलिए मैंने आते ही नीचे बैठ गया फ्लोर पर, क्योंकि बेड पर बैठने लायक तो हूँ नहीं, बेड भी गंदा कर दूंगा सारा। एंड बाय द वे, टाइम क्या होगा, 2:34 हो चुके हैं गाइस, अभी अभी पहुँचा हूँ। एंड चलने तक कीमत नहीं है मेरी, यहीं पे लौट जाते हैं थोड़ी देर। अरे बाप रे, क्योंकि आज सुबह की है ना, हम इतने ज़्यादा खेल रहे हैं। सुबह सुबह खो खो का मैच हो गया, इंटर हाउस मैच था हमारा, सो उसमें हम 2 पॉइंट से हार गए गाइस। चलो कोई नहीं, ऐसे हार जीत तो चलती रहती है। चलो यूनिफॉर्म निकाल लेते हैं एंड खाना वगैरह खाते हैं, क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई है मेरे को। सो गाइस, मैंने कपड़े वगैरह चेंज कर लिया एंड लोअर और टी शर्ट डाल लिया। वो वाले कपड़े तो स्कूल यूनिफॉर्म इतनी ज़्यादा गंदी हो रखी थी, सारी मिट्टी की भरी हुई थी, मतलब मैं भी मिट्टी का भरा हुआ था। हाथ पैर मुँह अभी धो के आया हूँ। एंड एक एक गुड न्यूज़ है गाइस, डैडी आने वाले हैं आज छुट्टी पे, आर्मी में डैडी, तो जैसलमेर पोस्टिंग थी, आने वाले अभी। सो पहुँच गए हैं बस स्टॉप पर, मैं जल्दी से चलता हूँ, उन्हें लेके आते हैं जल्दी से। धूप हो रखी है अभी तो बहुत ज़्यादा, धूप लगे तेरे को, तेरी से कुटिया से बैंड बजाया कर, तू कहीं जाओ, जू जल्दी जा, वेट कर रहा हूँ मैं तेरे। तो बस कुट्टी पैदल भाग जाऊँ, फिर बढ़िया ले ले, नहीं ले ले, मैं तो पता नहीं क्या ले लूँ, मैं तो वो चलाऊँ ना, रोड बड़े, मैं इतनी बड़ी हूँ चलाऊँ कौन, नहीं से कुट्टी ले ले। अच्छा, या फिर बेइज्जती करी सारी बार, ठीक है तो मैं जा रहा हूँ, जल्दी जा। ओह पहुंच गए क्या, मोड़ ले, मोड़ ले। आपका फोन नहीं स्विच ऑफ था, आपका फोन है वो बंद हो गया, बैटरी डेड। कब पहुंचे थे यहाँ पे, आ जाओ तो चलो। सो गाइस, मैं डैडी का तो ले आया हूँ एंड चलो स्कूटी खड़ी कर देते हैं एंड डैडी का बैग उठा लेते हैं। बाप रे बाप, बहुत ज़्यादा भारी है, अरे उठ तो गया, वाह इतना भारी बैग, चलो अंदर चलते हैं लेके इसे। हाँ हो, प्रतीक भी स्कूल से आ चुका है, क्या हो गया, अरे ये लो भाई, पहले तो बैग पकड़ो, पकड़ डैडी का बैग, इतना भारी है। सो देखे गाइस, अपने डैडी आ चुके हैं छुट्टी। ओह ये क्या लेके आए आप, अरे गाइस ये खाली नहीं है, इसके अंदर तो हर के अंदर एक अलग रसमलाई का पीस है, वाह। चलो ये क्या ले आए, और माफ आज आपने बाल ऐसे कैसे कर रखे हैं, मॉडल। अरे ये देखो ना, मिठाई का डिब्बा, ये तो पता है, ये तो बेकार, वाह निकालो इनको, मिल्क केक है ये तो। एक काम करो, ये सारी चीज मेरे को दे दो तुम्हें, है और तुम बाहर चल जाओ इसमें। ओह वाओ, काजू कतली माय फेवरेट, चलो एंजॉय करते हैं, आते ही लग जाते खाने, तो मैंने खाया नहीं है गाइस अभी। तो गाइस मेरे को अभी खाना खाने का टाइम मिला है, खाने में चावल विद शक्कर एंड खीरा भी लिया है मैं, एक काट के बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, ठंडा ठंडा खीरा हो तो। आज मैं नीचे बैठ के खाना खा रहा हूँ, यूजली तो मैं बेड पर ही खाता हूँ, सो ट्राई करते हैं आज नीचे बैठ के खाना खाने के लिए। तो चलो जल्दी से मैं खाना खा लेता हूँ, उसके बाद निकलते हैं। गाइस अभी हो रखे हैं 5:03 एंड मैं अभी अभी उठा हूँ, लिटरली इतनी अच्छी नींद आई ना मेरे को आज, क्या ही बताऊँ, मतलब 1 घंटे सोया था एंड मजे आ गए। अभी भी नहीं उठता मैं, बट लाइट चलेगी, फैन बंद हो गया ना तो पसीने ही पसीने आ गए, सारा मुँह फेस पसीने से भर गया, सो तब उठाऊँ मैं क्योंकि पसीने बहुत ज़्यादा आ गए थे। चलो प्यास भी लगी हुई है बहुत ज़्यादा, मैंने पानी नहीं पाया इतनी देर होगी, चलो बाहर चलते हैं पानी पीते हैं, देखते हैं प्रतीक क्या कर रहा है। आज तो डैडी आ गए ना तो वो सारे दिन मस्ती ही करता रहता है और कुछ नहीं करता वो। हाँ मम्मा, प्रतीक कहाँ पे है, कहाँ पे बाहर जा रखा है, अच्छा रे गाइस वो तो बाहर जा रखा है, अब बोलो क्या कर रहे हो, आप ही काट लो, ये इसके नखरे तो खत्म होते नहीं है, देती नहीं होनी जाना पड़ गया, पर देखा दे और दाब रुपया था तू, अच्छा ये देखो एक बार आ करो इस साइड मुंह करके,
इबदे दिन है एनर्जी फटाफट निकाल लो। गाइस ये हमारी चंपाकली दूध ही नहीं देती। ए चंपाकली इधर देख ले रे, अभी घंटे तक यहाँ पर बैठा रहना पड़ेगा तेरे को। बची है भाई ले ले, ये मिल्क केक। अरे ले ले खा ले, फिर दूध दे दियो। ना खा मेरे का लेगी। अच्छा आपको इतने साल का एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस बोलता है मम्मा, एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस तो मम्मा ने तो फिर कुछ तो आगे करना और क्या। सो गाइस प्रतीक तो घर पे है नहीं, वो तो बाहर गया हुआ है, एंड मम्मा यहाँ पर दूध निकाल रही थी। अब ये भैंस आजकल नखरे ज़्यादा करने लग गया तो इसके साइड में बैठा रहना, अरे इसके साइड में बैठा रहना पड़ता है। अगर ये दूध ना दे तो फिर इसको चून मिलाओ, इसके चारे में चून डालो तब ये दूध देती है जाकर, मतलब इसको बहलाओ फुसलाओ दूध दे दे तब जाके दूध देती है। तब तक मम्मा लगी रहेंगी इसको, लगी रहेंगी क्योंकि बहुत दिन हो गए ना इसको दूध देते हुए, तो मना करने वाली है कि मैं नहीं दूंगी भागो भागो भागो। सो मैं यहाँ पर इस साइड में ही बैठा हूँ क्योंकि मम्मा यहाँ से बोलेंगे तो फिर सुनाई तो देगा नहीं अंदर रूम में, फिर मैं यहीं पर ले आया अपनी पेट पूजा यहीं पर बैठ के कर रहा हूँ। तो चलो गाइस दूध निकाल लेते हैं, इसको बहलाते फुसलाते हैं, दे दे माता जी प्लीज़ दूध दे दे, बाद में मिलते हैं आपसे दूध दे के। फिर भी कम थोड़ा सा ही दूध देती है आजकल तो, पर थैंक गॉड उतना तो दे देती है, ना दे तो क्या कर ले इसका। ओए कहाँ पे जा रखा था तू विदाउट मेरी परमिशन, है इतना बड़ा हो गया लड़के तू। मैं जा रहा हूँ भैंस को मिलाने के लिए। रुक जा मैं जाऊँगा। गाइस मैं चून लेके आया हूँ भैंस के लिए अंदर से, क्योंकि ये मान तो रही नहीं दूध देने के लिए, डालना पड़ेगा थोड़ा बहुत चून अब। ले दे दे थोड़ा दूध, थोड़ा और डाल बहुत मम्मा इतना। अब दूध नहीं दिया तो डंडे खाएगी तू। इसके नखरे ख़त्म नहीं होते, ये सेकंड नखरे बाद यहाँ पर खड़ा है। हमारे घर में तो दो नखरे वाले हैं गाइस, एक तो हमारी भैंस और एक ये, इन दोनों की एक्टिंग ख़त्म नहीं होती। ओ इस साइड देखे ओ डांसर, अरे बाप रे गाइस ये क्या जॉब दे के चली गई मम्मा मेरे को। इस दूध का ध्यान रखना है, एंड देखो मैंने बताया था ना आजकल हमारी भैंस थोड़ी कंजूस होती जा रही है दूध के मामले में। थोड़ा सा दूध दिया है बिल्कुल, कितना सा देखो बाल्टी को इतना सा ही दिया है, ये 2 किलो दूध 3 किलो दूध होगा ज़्यादा से ज़्यादा। या ताज़ा दूध की स्मेल इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती, वैसे तो पकाने के बाद भी नहीं लगती, उबालने के बाद मेरे को दूध लगता है अच्छा, जब वो ठंडा हो जाता है ना फ्रिज में रख के तब मेरे को अच्छा लगता है। चलो आगे मम्मा मैं चलता हूँ यहाँ से, खड़ा हो जाता हूँ। ये बिल्ली के मतलब ऐसे बैठा के गए हैं कि बिल्ली ना जाए ये देख ले बस, तुम देख रहा हूँ इतनी देर से यही काम रह गया मेरा तो बस, अब घर में और कोई काम ही नहीं है मेरे लिए। है मम्मा और क्या, यही काम रह गया बस अब मेरा। लो अच्छा चलो भाई वो भी करते हैं। तो गाइस इट्स राइट नाउ 9:40 एंड अभी अभी मैंने अपने दूसरे वाले चैनल के लिए वीडियो शूट कंप्लीट किया, मैथ की वीडियो बनाई थी अराउंड 4 to 5 मिनट्स की बनी होगी, वो एडिट होके 4.5 मिनट्स की तक की हो जाएगी, चलो उसकी तो कोई बात नहीं। एंड गाइस बाय द वे आज मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ लिटरली, क्योंकि ग्राउंड में भी खेल रहे थे हम स्कूल में, मतलब 2-3 घंटे तक खेलते रहे, उसके बाद छुट्टी होने के टाइम पर भी खेलते रहे हम, क्योंकि स्पोर्ट्स पीरियड था तो हाथ पैर पूरी तरह दर्द कर रहे हैं आज तो मेरे, एंड नींद आ रही थी मेरे को बहुत ज़्यादा, फिर मैंने सोचा चलो वीडियो तो बना ही लेते हैं आज वरना गैप हो जाएगा। सो वीडियो बना लिए, कंप्लीट हो चुके गाइस, अभी जल्दी से मैं एडिट करूँगा इस वीडियो को एंड उसके बाद मैं सो जाऊँगा। अभी तक कपड़े भी चेंज नहीं किया, ऊपर से गर्मी इतनी लग रही है क्योंकि फ़ैन तो ऑफ कर रखा है मैंने, फ़ैन ऑन करता हूँ ना मैं तो शोर आता है वीडियो में, इसीलिए मैंने फ़ैन ऑन नहीं किया। सो गाइस चलो इस व्लॉग के लिए बस इतना ही, आई होप आपको व्लॉग पसंद आया होगा, व्लॉग पसंद आए तो लाइक कर देना एंड इफ यू आर न्यू एट माय चैनल प्लीज डू सब्सक्राइब इट। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय गाइस।